हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान स्कूल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर टू बच्चों तथा किशोरों में विकासात्मक कारक, यानी बच्चों और जो हमारे किशोर हैं उनमें जो विकास हो रहा है, यानी जो उसमें डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ होती है, उसके कारक क्या हैं, यानी बच्चों में जो विकास यानी जितना भी डेवलपमेंट है उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है, यूनिट नंबर टू आपका रहेगा। तो इसमें हम चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और उनको जानेंगे कि उनका रीजन क्या है। देखिए, जो आपका यूनिट नंबर टू है, क्या है, मानव विकास का परिचय। और इसमें देखेंगे 2.1 में देखेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान की समस्याएं या विषय वस्तु, यानी इसमें जो आपका रहेगा विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्या क्या है, यानी जो डेवलपमेंट है, यानी जो हमारे किशोर हैं, ठीक है। तो स्कूल साइकोलॉजी में अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो कुपोषण की समस्या है या अन्य प्रकार की जो समस्या है, या जो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, चाहे उनका बौद्धिक स्तर का विकास हो या शारीरिक स्तर का विकास हो, मोस्टली तो हम बच्चों में देखते हैं कि जो हमारे बच्चों स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं या हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो डेवलपमेंट है, चाहे उनका शारीरिक विकास हो, चाहे उनका बौद्धिक विकास हो या उनका मनोवैज्ञानिक विकास हो, जो उनकी ग्रोथ है क्यों नहीं हो पा रही, उसके कारण क्या है, उनमें कौन कौन सी समस्याएं, उसको देखेंगे। सेकंड चैप्टर में 2.2 में देखेंगे जीवन पर्याय विकास। ये जीवन पर्याय विकास के सिद्धांत क्या है, यानी आपका डेवलपमेंट होता रहे इसके सिद्धांत क्या दिए गए, इसको देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता में देखेंगे अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब होता है जो वंश परंपरा के अकॉर्डिंग चलते हैं। अनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेरिक में हम मोस्टली देखते हैं कि पिता से पुत्र को क्या मिलता है और पुत्र से उसको पुत्र को जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, वंशानुगत चीज़ें हैं, उनसे बच्चों पर विकास में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं, कि अब वंशानुगत के कारण भी, मान लीजिए अगर किसी का फादर में कोई प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेंटली प्रॉब्लम है, क्या उसके होने वाले बच्चों में भी उस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही, यानी विकास जो, यानी जो ग्रोथ है पूरा बच्चों का, जो डेवलपमेंट है, क्या उसमें जो हमारी वंश परंपरा है, जैसे दादा में कोई प्रॉब्लम थी तो उसके पिता में भी है, उसके बच्चे में भी, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको भी, या कहां हम देखेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए 2.1 में क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्याएं एवं विषय वस्तु। देखो, मानव विकास क्रम का अध्ययन करते समय अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी जब हम मानव विकास यानी मानव का जो डेवलपमेंट है उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कई तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता वंशानुगतता पर आधारित होती है। ये कह रहे हैं कि जो हमारा दिमाग होता है या जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है वह हमारे वंश परंपरा डिपेंड करती है, यानी अगर हमारे फादर होशियार हैं, बहुत चलाक है, तो बच्चा भी चलाक होगा, अगर दादाजी चलाक हैं तो उसका पोता भी चलाक होगा, यानी जो हमारी बुद्धिमत्ता है वह हमारी वंशावली यानी जो हमारी फैमिली है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, या जीवन में किए गए अनुभव के आधार पर होती है। यहां पर सबसे पहले प्रश्न आता है, क्या हमारी जो बुद्धिमत्ता है वह हमारी वंश परंपरा के अकॉर्डिंग चलती है या हम जो हम अनुभव करते हैं यानी जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि का विकास होता है। क्या शर्मीला बच्चा विकसित होकर के शर्मीला युवक बनता है, यानी अगर एक शर्मीला बच्चा है क्या बड़ा जब हो जाएगा तो तब भी शर्मीला रहेगा, तब भी शर्माएगा, इस प्रकार के प्रश्न हैं। मानव विकास के बारे में विकास के सिद्धांत में अनुभवों के माध्यम से होने वाली समस्याओं को हमें अध्ययन, यानी मानव विकास यानी बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसमें किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार की प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे। इससे जुड़ी विविध समस्याओं तथा विषयों को समझने वाली सहयोग, यानी इस प्रकार के, यानी बच्चों का जो विकास है या जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो मानव विकास है उसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी समस्याओं प्रॉब्लम के बारे में यहां पर देखेंगे। पहला क्या है, अनुवांशिक तथा पर्यावरण समस्या, यानी पहली जो समस्या है यानी जो बच्चों का विकास हो रहा है या जो आम लोगों का यानी मानव जो मानव विकास है उनमें अनुवांशिक है यानी वंश परंपरा के अकॉर्डिंग, दूसरा और हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी जो पर्यावरण है इसके कारण किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के विकास पर प्रभाव पड़ता है और हमारे मस्तिष्क या हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, मनुष्य के चरित्र पर वंशानुगतता का प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारा चरित्र यानी जब मनुष्य है उसका जो चरित्र यानी जो हमारा कैरेक्टर होता है उस पर हमारे वंश परंपरा का मतलब होता है जैसे हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी लोग होते हैं, इन लोगों का प्रभाव क्या पड़ता है। मनुष्य की भौतिक विशेषताएँ मानसिक
क्षमताएं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार के तरीके आदि मिलकर के मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। यानी जो हमारा चरित्र, यानी जब हम किसी मनुष्य की बात करते हैं कि उसका चरित्र या उसका करैक्टर बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी क्षमता कितना है, उसका व्यक्तित्व कितना है, वह लोगों सामाजिक व्यवहार कैसा है, वह लोगों से मिलता जुलता कैसा है, या बातें कैसे करता है, वो उसका दूसरों पर प्रभाव कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें कहीं कहीं शामिल होती हैं। बाहरी परिस्थितियाँ या पर्यावरण के समस्त घटक जिनमें भौतिक और सांस्कृतिक का वातावरण शामिल है व्यक्ति के विकास पर बढ़ डाल। यानी सिर्फ वंशांगुता यानी वंश परंपरा की अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो हमारी बाहरी परिस्थितियां, चाहे वह भौतिक परिस्थितियां हैं, चाहे वह सांस्कृतिक परिस्थितियां, यानी जो हमारा भौतिक समाज कैसा है, हमारी सभ्यता संस्कृति कैसा है, यह भी हमारे विकास पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्रभाव डालती है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के पालन पोषण के संबंध में केंद्रीय प्रभाव पड़ता है। यानी किसी बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है, या उसको पोषण तत्व खान पान हमारा कैसा है, वो भी कहीं कहीं कई सारी चीज़ें हमारा यानी बोला गया, यानी जैसे बोला जाता है जो जैसा खाता है वैसा बोलता है, जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। इसका मतलब है कि जैसे जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमारा मानसिक स्तर बनता चला जाता है, ऐसे भी कह सकते हो। अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के विवादों पर दशकों से चली आ रही बस मानव के अध्ययन समस्त निष्कर्ष निकल चुके हैं। यानी अनुवांशिकता का मतलब होता है कि वंश परंपरा के अकॉर्डिंग ही हमारी बुद्धि पर, हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह वैज्ञानिकों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं कह सकते हैं, या जो हमारे सिद्धांतकार हैं, उनमें ये बहस है काफ़ी लंबे समय तक चली आ रही है। वंशांगुता तथा पर्यावरण घटक दोनों ही जिम्मेदार हैं। यानी बच्चों का जो विकास है, जो मानव विकास है, वह वंश परंपरा और जो हमारा पर्यावरणीय घटक का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास जो है, जैसे हमारा समाज का क्या हम पर प्रभाव पड़ता है, या जो हमारा आसपास का एरिया है या माहौल, जो हमारे आसपास का माहौल है, वो भी हमारे डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा विकास है। और दोनों ही कहीं कहीं हमारे विकास पर एक बड़े कारक हैं या जो जिम्मेदार कारक हैं, क्योंकि इनके बीच ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। यानी मान लीजिए कि मैंने मान लिया किसी बच्चे में अगर विकास नहीं हो रहा है या कोई समस्या है, तो वंश परंपरा के अकॉर्डिंग समस्या है। लेकिन बच्चे पर जो दूसरी समस्या है, मान लो बच्चे में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो बाहरी जो घटक है, ठीक है, वो भी कहीं कहीं हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण होता है वो हमारे घरों पर होता है, या बाहर के लोगों, जैसे बच्चा देखता है लोगों को, वैसी चीज़ों को बोलता है, वैसे सुनता है, इस प्रकार ये भी प्रभाव पड़ता है। देखो अगला क्या है, सतत असतत विकास। सतत असतत विकास का मतलब होता है किसी का डेवलपमेंट हो रहा, जो ग्रोथ है वो लगातार होती चली जा रही। किसी बच्चे को आप देखोगे, इसकी लंबाई होगी, बढ़ती चली जाएगी। कोई बच्चा होगा, नाटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कोई बच्चे में किसी प्रकार की समस्या है, कोई बच्चा घबराएगा, ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बच्चों में जो डर है, घबराहट है, एक दूसरे से बोल नहीं पाते हैं, जो शर्माते हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके कारण क्या हैं, उनके रीजन क्या हैं, यानी जो का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी समस्याएं क्या है। तो अगली जो समस्या है, सतत विकास या असतत विकास, यानी उनका जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो एक समय पर जाकर के क्या कर गई, ठहर गई, यानी रुक गई है। देखिए, जीवन में विकास की घटनाओं को एक के बाद एक कैसे घटित होती हैं उसका अध्ययन करें तो सतत और असतत विकास भी क्रमिक विधित जीवन में अव्यवस्थाएं या निरंतर या अलग अलग चरणों में स्पष्ट, यानी जो हमारे लाइफ में विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वह श्रेणीबद्ध तरीके से होता है। वह क्या होता है, श्रेणीबद्ध तरीके से होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है तथा जुड़कर चलने वाली है। यानी हमारा जो विकास है हमारे साथ चलता रहता है। विकास से जुड़ी हर घटनाओं से उससे पहले घटनाएं के साथ जुड़ते हैं और क्रम में विकास की आगे बढ़ाती। यानी जैसा जैसा हमारा, जैसी जैसी हमारी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, वैसे हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। वो हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी शारीरिक विकास होगा, हमारा मानसिक विकास होगा। यानी बच्चे का जैसे जैसे शारीरिक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका शरीर विकसित होगा, उसकी मानसिक स्थिति विकसित होगी और उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होगी, धीरे धीरे उसमें विकास होता है। ये परिवर्तनीय मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। यानी बच्चों में जो डेवलपमेंट है वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो प्राकृतिक कारण से होता है, वो लगातार होता रहता है, ठीक है, वो तो होता रहता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का शरीर बढ़ना, जैसे उसकी लंबाई बढ़ना, मनुष्य के बड़े होने पर पारिवारिक संबंधों के अनुरूप दूसरों के संबंध में आरोप होता है। देखो, अगर किसी जो जैसे लंबाई बढ़नी है, चौड़ाई बढ़नी है, या बुद्धि का विकास है, ये कहीं कहीं यानी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई हमारी होती है, यानी शारीरिक विकास, तो मोस्टली हमारे जो पर्यावरण है यानी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चे में पहला जो विकास वो किस पर निर्भर करता है, हमारा प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी हमारी शरीर की लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, हम बड़े होंगे, हमारे बाल बड़े होंगे, हमारे हाथों की उंगलियां बड़ी होती चली जाएंगी, हमारा शरीर विकसित होता चला जाता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है।
मनुष्य के बड़े होने पर पारिवारिक संबंधों का स्वरूप या दूसरों के साथ संबंधों का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में उसके माता पिता से संबंध किस प्रकार, यानी कुछ विकास हमारा विकास होता है, यानी जब हमारा डेवलपमेंट होता है हमारे माता पिता का स्वभाव हमारे साथ कैसा है या हमारा वातावरण कैसा है, हम घर हमारे घर के लोग कैसे हैं, हमसे कैसे बात करते हैं, यानी हमसे मतलब समझ लेना बच्चों से कैसे बातें करते हैं, जो बच्चे हैं हमारे वो अपने घर परिवार में किस तरह से बातचीत करते हैं वह उनकी बुद्धि पर भी विकास को प्रभावित करता है। जो विचारक अक्षमता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं मानते हैं विकास कुछ खास परिवर्तनों के माध्यम से होता है जो स्पष्ट है परंतु अप्रत्यनशील ढंग से है, परिवर्तनीय गुणात्मक प्रत्यक्ष अवस्था में चले जाते हैं। देखो पहला बात है जो प्राकृतिक विकास है तो वह बच्चों का सतत विकास चलता रहता है, लेकिन कुछ बच्चों में कुछ ऐसे विकास होते हैं जैसे शारीरिक विकास अगर हम छोड़ दें तो उसका मानसिक विकास है, उसका बौद्धिक विकास है, तो वह कहीं ना कहीं उसके घर परिवार के लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी उसके घर के परिवार के लोग उससे कैसे बातें करते हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके साथी कैसे हैं, उसके क्लासमेट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें भी उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, आरंभिक अवस्था में घटित देखो आरंभिक अवस्था में क्या रहती है कि उसमें भी रहती है असतत विकास की अवधारणा में विश्वास रखने वाले अधिकतर सिद्धांतों द्वारा साबित करते हैं कि विकास सीढ़ियों पर चलने जैसा क्रम में होता है, एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद विकास की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है, यानी हमारे जो थिंकर हैं यानी जो हमारे वैज्ञानिक या जो हमारे सिद्धांतकार हैं वह कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, अगर हमने मान लीजिए जीने की सीढ़ी है, मान लो कि जैसे हमारी जीवन चलता है जैसे 5 वर्ष के बाद हमारा छठे साल 7वें साल 8वें साल 9वें साल 10वें साल ऐसे हमारा भी जो डेवलपमेंट होता है वह लगातार होता रहता है, इसको बोलते हैं क्रमिक विकास। यानी जैसे आप 7 साल के थे 8 साल 9 साल 10 साल वैसे आपकी मानसिक स्थिति का विकास होगा, आपकी शारीरिक स्थिति का विकास होगा, ये हमारा जो डेवलपमेंट होता रहता है वह चढ़ता रहता है, उसके अनुसार व्यक्ति में विकासात्मक अवस्थाओं में गुजरता है, जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, ये अपरिवर्तनीय कारक है कहला जाता है। यानी क्या होता है ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट जो शारीरिक विकास है वह लगातार हमारा चलता रहता है। मनोवैज्ञानिक एक बात इस बात से सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं सतत और असतत दोनों में कोई एक पद्धति का विकास क्रम समग्र व्याख्या नहीं करता है, यह सुझाव दिया गया कि कुछ विकास प्रक्रियाओं के सतत विकास के सिद्धांत और कुछ को असतत विकास के सिद्धांतों द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। देखो क्या है कि जो हमारा सतत विकास है वह लगातार होता रहता है, और सतत विकास यानी जो हमारा प्राकृतिक विकास है जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, हमारी चौड़ाई बढ़ना, हमारी मोटाई बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, ये सारा प्राकृतिक है। कुछ ऐसे हमारे डेवलपमेंट होते हैं जो हमारे घर पर जैसे हमारी मानसिक स्थिति का विकास होगा, तो बच्चे के जो घर वाले हैं उसके साथ कैसी बातें करते हैं ये सारा उस पर डिपेंड करता है, कहीं कहीं उससे रहेगा। अगला है स्थिरता परिवर्तन। स्थिरता परिवर्तन का मतलब होता है कि जब एक स्थिति में जाकर के हमारे शरीर में या चीजों में परिवर्तन होता है। देखिए जिस अनुपात में बच्चे के लक्षण स्थिर होते हैं बड़े होने पर साथ साथ परिवर्तित, यानी जिस बच्चे का स्वभाव जैसे रहता है ना वैसे बड़े होने पर भी उसका स्वभाव बने, यह स्थिरता परिवर्तन चिंतन का विषय है जो विशेषक विकास में स्थिरता को जोर देते हैं। ये अनुवांशिक दृष्टिकोण के होते हैं, जीवन आधारित अनुवांशिकता शील गुण और विशेषताओं को जिम्मेदार मानते हैं। देखो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा विकास है ठीक है कई बार वो क्या आता है एक जगह पर जाकर के स्थिर हो जाता है, कई बार अनुवांशिक विकास भी होता है। देखो क्या होता है कि जो हमारा कोई बच्चा है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है एक समय पर कई बार जाके रुक भी जाता है, एक कहीं के परिवार में कोई समस्या होगी या कोई पारिवारिक कलह हो जाती है तो इस पर बच्चा थोड़ा ग्रसित हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसका जो मानसिक स्तर का विकास होगा उसमें समस्याएं या उसमें बाधाएं आ सकती हैं। यानी यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक बच्चा है उसके मम्मी पापा डेली लड़ाई करते हैं तो बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अगर उस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो अचानक घर में अगर कोई समस्या अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका जो विकास होगा वो कहीं कहीं बाधित हो सकता है। इस प्रकार अनुवांशिक दृष्टिकोण कहती है कि एक शर्मिला बच्चा व्यस्त हो जाने पर शर्मिला ही रहेगा। यानी क्या होता है कि जो एक शर्मिला बच्चा है कई बार अनुवांशिक में क्या होता है कि एक शर्मिला बच्चा है या एक बच्चा ऐसा बहुत शरारती बच्चा है तो बड़े होने पर भी वो शरारत करेगा क्योंकि उसकी जो क्षमता है यानी जो अनुवांशिक स्तर पर वो शरारती ही बच्चा रहेगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए बहुत धीरे धीरे बोलता है डरता है, मान लीजिए एक बच्चे में डरता है तो कैसे नहीं जब वह बड़ा युवक बनेगा तब भी उसमें कहीं कहीं डर का माहौल हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अनुभववादियों ने विचार किया कि आरंभ में वर्षों में बच्चों के अंदर समाज से बचकर रहने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी जो हमारे बच्चे होते हैं शुरू में जब बच्चा होता है वह समाज से थोड़ा डरता रहता है और साथ साथ जैसे जैसे उदासीन और तनाव अनुभव के कारण वह साथ साथ बढ़ने लगता है और सामाजिक संपर्क अच्छा होता है। यानी जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है पहले वह समाज से संपर्क स्थापित नहीं करता है, जैसे घर के बाहर निकलेगा इधर उधर आया जाएगा तो वैसे क्या होगा, वो समाज से क्या होता जुड़ता चला जाता है, उसका विकास है। परंतु बाद में जीवन में अनुभवों का मनुष्य के विकास पर प्रभाव, देखो शुरू में जो हमारा विकास होता है वह मोस्टली हमारा प्राकृतिक विकास होता है और जो हो ही जाता है सभी का, लेकिन बाद का जो हमारा विकास है युवक होने के बाद या वैक्स युवक होने के बाद या जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें जब डेवलपमेंट आते हैं उसका जो सारा विकास होता है वह अनुभव के आधार पर होता है। शुरुआती जो हमारा बच्चों का विकास है वह हम उनकी शारीरिक स्थिति वो प्राकृतिक है नेचुरल है, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन बच्चा कोई एक्सपीरियंस गेन करेगा, कोई कुछ सीखेगा, कुछ खेलेगा, कुछ पढ़ेगा तो उसका जो विकास है वह विकास क्या होता है, वह मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। यानी उसने जीवन में यानी एक समय तक हमारा जो विकास होता हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा विकास होता है वह हमारी अपनी क्षमताओं पर ही डिपेंड करता है, हमें कितनी क्षमता है वह उसी के द्वारा ही हमारा क्या होता है डेवलपमेंट और सारा हमारा विकास होता रहता। अगला है अगला जो इसमें रहेगा जीवन पर्यक विकास क्या था, जीवन पर्यक विकास क्या, देखिए क्या है जीवन पर्यक विकास के बारे में यहाँ पर देखिएगा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव विकास का अध्ययन करते समय अनुसंधान केंद्रों में मनुष्य की शिशु अवस्था बाल्यावस्था वयस्क अवस्था का करता है। यानी अगर देखें आधुनिक समय में अध्ययनकर्ताओं को देखें तो वह बच्चे का जो छोटा बच्चा है उसका अध्ययन करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसका अध्ययन करते हैं, जब बच्चा एक युवक बन जाता है उसका अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है शिशु अवस्था तथा बचपन में मनुष्य का विकास तीव्र गति से होता है। यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो मोस्टली सिद्धांत क्या होता है कि जब बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका जब बड़ा होता है यानी युवक बनता है तो उसका जो विकास होता है वो बड़ी तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी होता है। युवक अवस्था समाप्त होने के बाद मनुष्य का विकास क्रम रुक जाता है। यानी क्या होता है कि हम जब बचपन में रहते हैं छोटा बच्चा रहता है तो उसका जो डेवलपमेंट है जो विकास है वह बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसका धीरे धीरे क्या होता है विकास रुक जाता है, एक शीर्ष पर पहुँचने पर रुक जाएगा। युवक अवस्था समाप्त होने से ही मनुष्य का विकास रुक जाता है। युवक अवस्था को विकास के मामले में स्थिर अवस्था माना जाता है। यानी जैसे जैसे जब बच्चा एक स्थिति में ऐसे आ जाता है फिर उसका जो सारा डेवलपमेंट होता है ना एक स्थिति पर आकर रुक जाएगा और अंतिम चरणों पर जो रुक जाता है। परंतु औषधि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति हो जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य का औसत अवस्था 60 से 80 वर्ष तक हो गई है। यानी जो मनुष्य की औसत यानी जो हमारा इंसान है लगभग कितने वर्षों तक जीता है, 60 वर्ष से 80 वर्ष तक हमारी जो आयु है कुल मिला के। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी निर्भर करती है कि बड़ी आयु में युवकों की संख्या न केवल बढ़ती है परंतु बड़ी संख्या में इस उम्र में लोग स्वस्थ और उपयोगी जीवन जी रहे हैं। यानी जब बच्चा विकसित हो जाता है जो युवक बन जाता है तो वह स्वस्थ ज़्यादा रहता है और बड़ा उपयोगी रहता है, हष्ट पुष्ट रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। 1950-1960 के दशक में मानव विकास में होने वाली अनुसंधानों की दिशा में परिवर्तन आया है। ये वह मामले है जिसमें मनुष्य को प्रौढ़ अवस्था के दौरान बाद भी यानी क्या हो रहा कि धीरे धीरे अब जो मनुष्य का विकास है वो माना जाता है कि वो बचपन से लेकर के वृद्धा होने तक यानी बूढ़ा होने तक उसमें विकास होता रहता है। मानव विकास का आधार अब जीवन काल माना जाएगा। यानी अब के जो हमारे वैज्ञानिक है सिद्धांत करता है वो मानते हैं कि मनुष्य का जो विकास है ना बचपन से लेकर के युवा अवस्था होने तक उसका विकास नहीं होता बल्कि उसका विकास बचपन से लेकर के वृद्ध होने तक आखिरी दिनों तक उसका क्या रहता है डेवलपमेंट रहता है। जीवन विकास मनोविज्ञानों का उद्देश्य है व्याख्या करने पर जोर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अंदर होने वाले बदलाव और की तुलनाओं के अध्ययन में मूलतः विषय है। कहा जाता है कि जो मनुष्य का विकास है वह जीवन पर्यंत होता है, पूरे जीवन होता रहता है, लेकिन पहले के जो वैज्ञानिक थे वो यही बताते थे कि मनुष्य का जो विकास है वह शिशु अवस्था से युवक अवस्था तक तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है एक अवस्था में आकर के। लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि जो हमारे बच्चों का विकास है वह शिशु अवस्था, शिशु का मतलब है छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से लेकर के जब वह बच्चा हमारा बड़ा होता है बल्कि वह बच्चा जो हमारा वृद्ध अवस्था तक जाता है तब तक उसका विकास और डेवलपमेंट होता है। वह लगातार उसका सारा जो डेवलपमेंट होगा एक प्रकार से उसका जितना भी डेवलप है वो पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। जीवन पर एक विकास के सिद्धांत क्या है, विकास प्रक्रिया
जीवन पर्यंत चलती रहती है, गर्भधारण से लेकर के जीवन अंत होने तक उसकी बात पर जोर दें। यानी जो जीवन पर्यंत विकास का मतलब क्या है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वह कहते हैं कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका डेवलपमेंट और विकास होता रहता है, और उसका जीवन मरने तक यानी आखिरी दिन तक उसका क्या होता है, डेवलपमेंट और विकास होता रहता है। जीवन काल के दौरान हर अवधि विकास प्रक्रिया में योगदान करती है। यानी कोई भी अवधि, चाहे बच्चा 1 साल का 2 साल का 10, 12, 15, 20, 50, 60, हर आयु वर्ग में उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं और कुछ ना कुछ वह चीज़ों को सीखता रहता है। विकास बहुआयामी होता है, यानी जो हमारा विकास होता है वह बहुआयामी होता है, कई प्रकार का विकास होता है। जैसे हमारा जैविक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, भावनात्मक विकास है। विकास की जो अलग अलग आयाम है, बहुत अलग 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 क्षेत्रों में हमारा विकास होता रहता है और लगातार होता है। अगला है, विकास में बहुदिशात्मक है, यानी किसी क्षेत्र में विकास में होने से विकासात्मक परिवर्तन आरुखी होते पालन नहीं करता बल्कि यह क्षमता बढ़ोतरी है। यानी मान लीजिए अगर किसी बच्चे में किसी खास विशेष क्षेत्र में अगर उसका विकास होता है तो अन्य क्षेत्रों में अगर वह ट्राई करेगा तो उसका जो डेवलपमेंट रहता है वह चलता रहेगा। विकास लचीला है, यानी विकास क्या है, लचीला है। अगर बच्चे ने किसी चीज़ को गेन कर लिया, सीख लिया, उसका डेवलपमेंट हो गया तो दूसरी चीज़ों पर वो शिफ्ट होने में उसको आसानी रहती, यानी किसी दूसरी चीज़ों को सिखाने में हमें आसानी रहती है बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विकास बहुविषयी है, यानी विकास क्या है, बहुविषय, यानी कई सारे सेक्टरों में क्या रहता है, हमारा विकास होता रहता है और हमारा जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहता है। विकास प्रासंगिक होता है, यानी जो विकास है वह प्रासंगिक है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मानक प्रभाव रहता है, यानी विकास पर कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मानक विकास हैं, यानी उनका हमारे अंदर क्या पड़ता है, विकास की बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। अगला जो रहेगा 2.3 में आ जाइएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए 2.3, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका। मनुष्य का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुवांशिक घटनों तथा पर्यावरण घटकों का योगदान प्रमुख है। यानी मनुष्य का जो विकास है वह उसको समझना थोड़ी जटिल है, यानी वह कठिन काम होता, इतनी आसानी से हम उसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा जो विकास होता है अनुवांशिक आधार पर, यानी हमारे घर के लोगों का विकास कैसा है वैसा हमारा होगा, जैसे बाप होगा वैसे बच्चा होगा, इसका मतलब यह है। और पर्यावरण यानी जो हमारा आसपास का परिवेश है, जो वातावरण है, घर परिवार के लोग कैसे उसका स्वभाव है, हमारे पड़ोसियों का स्वभाव कैसा है, हमारे रिश्तेदारों का, इसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है, इनका भी योगदान रहता है। कोई दो व्यक्ति एक नहीं होते हैं, मनुष्य की प्रकृति और उसका पालन पोषण ही मनुष्य के विकास पर निर्भर, यानी कोई व्यक्ति एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते हैं और हमारा जो सारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति क्या होती है, उसके पालन पोषण पर विकास में भूमिका, यानी जिस बच्चे का जैसा पालन पोषण किया जाएगा उसका डेवलपमेंट वैसा होगा। अगर कोई बच्चा बहुत बड़े परिवार में जन्म लेगा तो उसका उसको देखोगे देखकर को लगेगा तो थोड़ा उसका होगा, अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है उसका बच्चा रहेगा उसके डेवलपमेंट अलग तरह से, यानी बच्चों में जो विकास होता है उसके पालन पोषण से, यानी उसका जो पालन पोषण किया जाता है जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कैसे किया जा रहा, उसका क्या रहता, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विकास में भूमिका होती प्राकृतिक अनुवांशिक होती है तथा पालन पोषण की स्थितियों पर आधारित, यानी जो हमारा विकास है क्या होता है वह अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है और पालन पोषण पर भी निर्भर करता है। यानी जो बच्चों का विकास है या जो हमारा डेवलपमेंट है वह हमारे पालन पोषण पर भी कहीं कहीं डिपेंड करता है, हमारा विकास कैसे हो रहा या हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा, यानी बच्चों का जो विकास है वह कहीं कहीं हमारी अनुवांशिकता पर और हमारा पालन पोषण पर। किसी गरीब का बच्चा होगा तो वो अलग टाइप का विकसित होगा, इस प्रकार से जो परिस्थितियां होती हैं वह हमारे ऊपर उनका कहीं कहीं क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिक वंशानुगति की भूमिका क्या है, यानी जो अनुवांशिक विकास होता है उसकी हमारे जीवन में क्या विशेषताएँ, क्या भिन्नताएँ, यानी जो बच्चों का विकास है उसमें अनुवांशिकता वंशानुगति की भूमिका। गर्भधारण से लेकर के बच्चा जब निष्क्रिय में फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण काम शुरू होता है, यानी जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तभी से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट और विकास होने लगता है। निवेचना में एक कोशिकीय जीव बनने का भ्रूण कहा जाता है, जब एक कोशिका बन जाती, बड़ी हो जाती, उसको भ्रूण बोला जाता है। इसकी संरचना 46 स्वयं ही अनेक कोशिकाओं से विभाजित होकर के करती है, यानी जो बच्चा होता है शुरू में उनका वंशवान जब उसकी माँ के पेट में रहेगा तो वहाँ बढ़ेगा, फिर उसके बच्चे का जन्म होगा और बच्चा डे बाय डे क्या होता है, धीरे 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 बच्चे का विकास होता रहता हो और बच्चा फिर 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट होता चला जाता है और बच्चा जो हमारा होगा पूरा बड़ा हो जाए, फिर युवक अवस्था में आ जाएगा, फिर युवक अवस्था में विकास विकास होते 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 फिर वो वृद्धावस्था में आ जाएगा, फिर
वृद्धावस्था में भी उसका डेवलपमेंट होता ही रहता, यानी जो विकास होता हमारा चलता रहता। अगला दूसरा क्या, पर्यावरणीय विकास की भूमिका, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वह हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसे हैं, हमारे परिवार का, मोहल्लों का, गली मोहल्लों में जो लोग हैं वो कैसे बात करते हैं उस बच्चे से, इस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। पहले क्या, परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले भाई बच्चे के विकास में जो है वो परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसकी माँ का स्वभाव कैसे है, उसके पिता का स्वभाव कैसे है, उसके भाई का स्वभाव कैसे है, उसके बहन का स्वभाव कैसे है, हमारे जो घर परिवार हैं वो घर परिवार के जो लोग हैं वह किस प्रकार से उस बच्चे से बातचीत करते हैं, इसका प्रभाव उस पर बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, घर का माहौल कैसा है, माँ बाप अगर लड़ाई करेंगे तो बच्चे में उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या, उसका जो प्रभाव हमारे साथियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी जो बच्चे के जो फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे मित्र कैसे, हमारे फ्रेंड कैसे, हमारे दोस्त कैसे, हमारे साथी कैसे हैं, इनका भी हमारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनका भी स्वभाव जैसे होता है, जैसे नेचर होता है, वैसा हमारा स्वभाव भी, हमारा नेचर वैसे होता है। देखो बोला जाता ना, जैसी संगत करोगे वैसे संगत बन जाती है, यानी संगत क्या होती है, संगत हर इंसान को इसी तरह बना देती है। आपने देखो कि अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो उसके साथी बहुत ख़राब होते हैं, अगर कोई बच्चा सुधरता तो उसके दोस्तों का बहुत ज़्यादा, यानी हमारे दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा रोल। बच्चा जब हम स्कूलों में आएगा, पढ़ेगा, तो उसके जो क्लासमेट्स रहेंगे उसका बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। यानी जब वो क्लासरूम में आएगा तो वहाँ पर उसको जिस प्रकार से बच्चों से दोस्ती होगी, बच्चे का स्वभाव, वो सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग पढ़ती चलेंगे। अगला, बच्चों में अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो हमारे शिक्षकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी जो टीचर्स हैं, हम टीचर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव, यानी जो बच्चा विद्यालय में है टीचर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उसको शिक्षा देते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, शिक्षक उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, ये चीज़ें भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इंटरनेट का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको तो मुझे लगता नहीं है कोई किसी को लिखने में दिक्कत होगी जब एग्जाम में अगर आ गया कि ये आप इंटरनेट वाला जब लिखोगे, इंटरनेट का इस्तेमाल है, यानी बच्चा इंटरनेट पर किस प्रकार की चीज़ों को देख रहा है, किस चीज़ों को नहीं देख रहा है, वो कैसे चीज़ों को पढ़ाई कर रहा है, कोई गलत चीज़ें नहीं देख रहा है, इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वह भी बच्चों पर, हमारे जो बच्चे हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। परिवेश और सही पर हमारे परिवेश का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे का जो परिवेश है, वातावरण कैसा है, रिश्तेदार कैसे हैं, यानी जो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले हैं उसका परिवेश क्या है, उस परिवेश का भी उस बच्चे पर क्या पड़ेगा भाई, प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। कहते जो हमारा बच्चा है, जो हमारा लड़का है, ठीक है, तो जो हमारे बच्चे हैं उन पर क्या होता है, हमारे परिवेश का, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, उसका लालन पोषण कैसे हुआ, बच्चे के मम्मी उससे कैसे बातें करती हैं, पिताजी कैसे बात करते हैं, भाई कैसे बातें करते हैं, बहन कैसी बात करती है, ये भी हमारे जो डेवलपमेंट होता है, जो एक शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उस पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बच्चा जैसे रहेगा, बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होगा, वैसे हमारा जो बच्चा रहेगा वह बनता चला जाएगा, यानी उसका जो डेवलपमेंट रहता है इस पर बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित करता है। तो मैं आपको, मैंने जितना भी था यूनिट नंबर 2 में तो मैंने आपको सारा बता दिया है, तो आप यूनिट नंबर 2 को मुझे लगता आसानी से समझ गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।